कक्षा 9 विषय हिंदी कृति का भाग फर्स्ट पाठ 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया के प्रश्नोत्तर। लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 1, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। उत्तर, लेखक जिन दिनों बेरोजगार थे उन दिनों शायद किसी ने उन्हें कटु बातें की होगी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे और दिल्ली चले आए होंगे। प्रश्न नंबर 2, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों हो रहा होगा। उत्तर, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने पर अफसोस इसलिए रहा होगा क्योंकि वह भारत की जनभाषा नहीं थी, इसलिए भारत के लोग यानी उनके अपने लोग उसे समझ नहीं पाते होंगे। प्रश्न नंबर 3, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। उत्तर, दिल्ली के वकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उस नोट में शायद उन्होंने लिखा होगा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य निहित है, संघर्ष करने वाले ही जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं, अतः परिश्रम करो, सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। उत्तर, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के अनेक रूपों को उभारा है। नंबर 1, बच्चन का स्वभाव संघर्षशील, परोपकारी, फौलादी संकल्प वाला था। नंबर 2, बच्चन जी समय के अत्यंत पाबंद होने के साथ साथ कला प्रतिभा के पार की थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे एक ही सनेट को पढ़कर उनकी कला प्रतिभा को पहचान लिया था। नंबर 3, बच्चन जी अत्यंत कोमल एवं सहृदय मनुष्य थे। नंबर 4, वे हृदय से ही नहीं कर्म से भी परम सहयोगी थे। उन्होंने न केवल लेखक को इलाहाबाद बुलाया बल्कि लेखक की पढ़ाई का सारा जिम्मा भी उठा लिया। प्रश्न नंबर 5, बच्चन जी के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। उत्तर, लेखक को बच्चन के अतिरिक्त निम्नलिखित लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। तेज बहादुर सिंह, ये लेखक के बड़े भाई थे। ये आर्थिक तंगी के दिनों में उन्हें कुछ रुपये भेजकर उनका सहयोग करते थे। कवि नरेंद्र शर्मा, कवि नरेंद्र शर्मा लेखक के मित्र थे। एक दिन वे लेखक से मिलने के लिए बच्चन स्टूडियो में आए। छुट्टी होने के कारण लेखक नहीं मिल सका। तब वे उनके नाम एक बहुत अच्छा और प्रेरक नोट छोड़ गए। इस नोट ने लेखक को बहुत प्रेरणा दी। शारदा शरण वकील, ये कला शिक्षक थे। इनसे लेखक ने पेंटिंग की शिक्षा ली। बच्चन के पिता, जब लेखक इलाहाबाद में आकर बस गया तो उन्हें स्थानीय अभिभावक की आवश्यकता थी। तब हरिवंश राय बच्चन के पिता ने उनका अभिभावक बनना स्वीकार किया। सुमित्रानंदन पंत, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम दिला दिया। उन्होंने लेखक द्वारा लिखी कविताओं में कुछ संशोधन भी किया। ससुराल पक्ष, जिन दिनों विदुर लेखक आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था तब ससुराल वालों ने उन्हें अपनी दुकान पर कंपाउंडरी का प्रशिक्षण दिया। प्रश्न नंबर 6, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। उत्तर, सन 1933 में लेखक की कुछ रचनाएं जैसे सरस्वती और चांद छपी। बच्चन द्वारा प्रकार की रचना लेखक से करवाई गई।
बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण से प्रेरित होकर लेखक ने निशा निमंत्रण के कवि के प्रति कविता लिखी थी। निराला जी का ध्यान सरस्वती में छपी कविता पर गया। उसके पश्चात उन्होंने कुछ हिंदी निबंध भी लिखे व बाद में हंस कार्यालय की कहानी में चले गए। तत्पश्चात उन्होंने कविताओं का संग्रह व अन्य रचनाएं भी लिखी। प्रश्न नंबर 7, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। उत्तर, लेखक ने अपने जीवन में प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों को झेला। वह किसी के व्यंग्य बाण का शिकार होकर केवल 5-7 रुपये लेकर ही दिल्ली चला गया। वह बिना फीस के पेंटिंग के वकील स्कूल में भर्ती हो गया। वहाँ उसे साइन बोर्ड पेंट करके गुजारा चलाना पड़ा। लेखक की पत्नी का टीबी के कारण देहांत हो गया था और वे युवावस्था में ही विदुर हो गए, इसलिए उन्हें पत्नी वियोग का पीड़ा भी झेलना पड़ा। बाद में एक घटना चक्र में लेखक अपनी ससुराल देहरादून आ गया। वहां वह एक दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगे। वह बच्चन जी के आग्रह पर इलाहाबाद चले गए। वहां बच्चन जी के पिता उसे लोकल गार्जियन बने। बच्चन जी ने ही उसकी एमए की पढ़ाई का खर्चा उठाया। बाद में उसने इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम भी किया। उसे हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई थी। तब भी वह आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे थे। इसमें एक आया है विदुर शब्द, जिसकी पत्नी मर जाती है वह कहलाता है विदुर, और जिस पत्नी का पति मर जाता है वो कहलाती है विधवा।